एक शातिर ट्रक चोर को पाड़ी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से सरिया से लदा हुआ चोरी का ट्रक पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी संजय गोविंद ठाणे जयहिंद नगर मानकापुर निवासी है। 13 और 24 तारीख के दरमियान रात में संजय ने मालगांव कापसी से सड़क किनारे खड़ा ट्रक चुराया था। ट्रक में 19 टन सरिया लदा था। हरिप्रसाद यादव नवीन नगर निवासी रायपुर से सरिया लेकर नागपुर पहुंचा था। ट्रक खाली होना था इसलिए सड़क किनारे खड़ा किया और घर में गया था। इस बीच ट्रक चोरी हो गया। खोजबीन के बाद भी ट्रक नहीं मिलने पर उसने पाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के दौरान कन्हान टोल नाका के अलावा परिसर में लगे निजी सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। इस नाके से ट्रक नहीं गुजरा था। फिर पुलिस ने तारसा मार्ग पर खोजबीन शुरू की तो ट्रक तारसा में पाया गया। पुलिस ने तुरंत आरोपी संजय को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से ट्रक सहित 15,91,000 रुपए का माल जब्त किया। उल्लेखनीय है कि संजय ट्रक चुराने का आदि है। उसके खिलाफ विविध थानों में ऐसे 32 प्रकरण दर्ज है। करीब 3 वर्ष पहले उसने लखरगंज थाने के सामने से ट्रक चुरा कर पुलिस को चुनौती दी थी। बड़ी थाने की हवालात में उसे बंद किया गया था लेकिन छूटने के बाद फिर उसने ट्रक चोरी करने का बयान दिया था। ताजा मामला में प्रकरण दर्ज किया गया और इस संबंध में पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। पोलीस स्टेशन पारडी येथे जो गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे, अपराध क्रमांक 488 आपली 21 कलम 379, यातील जे फिर्यादी आहे ड्रायव्हर हरिप्रसाद खयाल सिंग यादव हे रायपूरवरून ट्रक क्रमांक CG04JA6765 यामध्ये स्टील सरिया आहे, स्टील सरिया लोखंडी सरिया लोड करून ते जवळपास 19 टन जो सरिया आहे लोड करून नागपूरला आले 12 तारखेला आणि जे इथं पारडी हद्दीमध्ये सर्व्हिस रोडवर त्यांनी ते ट्रक पार्किंग करून ठेवला आणि तो माल होता अनुज स्टीलचा इतवारीमधला। त्या दिवशी तो रविवारी बंद असल्यामुळे त्यांनी इथे पार्किंग करून ठेवला आणि 13 तारखेला सकाळी येऊन पाहिले असता तो ट्रक तिथून गायब होता। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपूर।